सखी सैया खूब कमात है, महंगाई डाइन खाए जा। सही कह रहे हैं, 25 रुपया में आलू है, सही कह रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं इस बार बदलाव भी है। कमाही कुछ नहीं, कहाँ से लाए खाए। कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बदलाव भी है इस बार। तो हुए भाई, अका तो हम नहीं जान सके, तो प्रधान नहीं बता सके थे। हम गरीब आदमी का जाने कि बदलाव हुए कि ना। तो किसी बात से डर है क्या जो बोल नहीं रहे हैं? नहीं, हमका डर नहीं ना, काहे से। अब काहे से डर ये है? तो डरो नहीं है और बोल भी नहीं रहे हैं, तो आखिर में बात क्या है? हमको कुछ नहीं है बात, हम ये जानते हैं कि वोट दे आए बस। हाँ, हम इसे वोट तो क्यों दिए आप? वोट का हेल्दी नहीं। हाँ। अरे वोट हम दे आए, हमका क्या पता कि काहे पर दे आए, काहे नाम। कौन कहा था आपसे वोट देने के लिए? है कोई कहा था या खुद से गए थे? ये वहाँ से क्यों यहाँ भेजा गया कि वोट दे दीजिए आप लोग? चुनाव किस लिए किया गया? तो इसे चुनाव किया हम लोग, तो क्या वही तो मुद्दे के वजह से चुनाव होता ना? आपका क्या मुद्दा रहा? हमको ये नहीं पता मुद्दे उद्दे। आपको आपके दिमाग में कोई मुद्दा नहीं? कुछ नहीं, हमसे नहीं, हम ना लिखे ना पढ़े, हम क्या जाने सब। ये सब कुछ नहीं जानते। चुनाव है, वोट पड़ रहा है, हम गए एक जगह, ठीक है, अपना बटन दबाए, ये सब हम नहीं जानते। इतने धूप में आप वहाँ तक चल के गए हैं, कोई मुद्दा तो होगा? छाता लिए, छाता, ये छाता लेके आए। छाता भी महंगा हो गया है। हाँ महंगा है भैया, है बताओ, 150 का छाता है। हाँ। कमाही कुछ नहीं, 150 का छाता। बहुत कुछ आप बोल गए हैं, हम समझ गए हैं आपकी बात। समझे आप ना समझे। चलिए और लोगों से पूछते हैं। यही पास ही में मतदान केंद्र है, ये कौन सा मतदान केंद्र है? गुजर टोला है। गुजर टोला जी। अच्छा, तो यहाँ पे ज्यादातर क्या, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम बाहुल है या मुस्लिम ज्यादा है? हाँ कुछ ज्यादा है। अच्छा, मुस्लिम ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या, कैसा क्या माहौल देख रहे हैं, मतलब चर्चाएं क्या सुनते थे? चर्चाएं दोनों का है वोट। हाँ, भाजपा की भी है, कांग्रेस की, ये दोनों का ज्यादा है। हाँ, बसपा का कम। आकलन कैसे करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि ये बेहतर या फिर कौन बेहतर है, ये कैसे सोच? ये सोचे तो है कि नौकरी फौकरी तो केहू को मिलत नहीं ना, जो पढ़ो लिखा टहरत है, पेपर जो हुए वो सब लीक हो जाता है, कतो केहू पाता है, यही से आदमी थोड़ा कुछ छटत है, नहीं तो भाजपा का तो वोट यहाँ से जीतते रही। हाँ, आपकी कुछ कम परसेंट कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। मुद्दे कई हैं, लेकिन अब ये ऐसा, अब हम आगे बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि विपक्ष बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, आपको भी ये लगता है? अब हम ये नहीं बता सकते, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये लगता है आपको? अरे हाँ, होना तो चाहिए मजबूत, जब हो तो मजबूत। लेकिन आखिरकार क्यों लोग ये क्यों नहीं कह रहे, विपक्ष मजबूत करने की क्यों बात कर रहे हैं, बदलाव की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर उनको चाहिए कि, अगर उनको कोई ऐसा शक है कि दिक्कतें हैं, तो बदलाव की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत करने की क्यों बात कर रहे हैं? बताओ भाई, तुम यहाँ कुछ ही जाने चाहिए। हेलो, और किसी से पूछ लीजिए भाई, हम और कुछ नहीं जानते, इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे माहौल आप कह रहे हैं दोनों का है? दोनों का। अच्छा, आपको भी लग रहा है दोनों का माहौल है? यहाँ तो दोनों बराबर का माहौल है, बराबर का, मतलब फाइट है। हाँ, ऐसा ही मालूम पड़ता है, यहाँ का तो माहौल ऐसा ही है, ऐसा ही फाइट, मतलब अच्छी फाइट है। स्मृति ईरानी तो अच्छा खासा कहती है, विकास किए हैं, तो काहे फाइट पे आ गया मामला? भाई जैसा करेंगे वैसा ही तो पाएंगे, जैसे मेहनत करोगे वैसे ही मजदूरी मिलेगी, तो वैसे ही मिलेगा ना, मेहनत में कमी रह गई है भाई, जैसे करेंगे वैसे पाएंगे, कमी है तभी तो ऐसा है, मेहनत खूब जम के कर रहे हैं, मोदी कहाँ कमी रही है, खेतौनी ऊपर से दे रहे हैं, पेंशन ऊपर से दे रहे हैं, राशन ऊपर से दे रहे हैं, कमी किस चीज की है? खेतौनी दे रहे हैं और पेंशन भी दे रहे हैं, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, अरे हम नहीं नपात के उभयत पावत, हम तो नहीं नपात कुछ। 5 किलो राशन पा रहे हैं कि नहीं? 5 किलो राशन पा रहे हैं, पा रहे हैं, चल जा रहा है, खेतौनी भी पा रहे हैं, उससे चल जा रहा है। अरे अब चले कि न चले, क्या करी, जौन लागू है, जौन मिलता है, मऊ खाई तान साहब, हम पाई तान, क्या करी, बात यही। पेपर लीक हो जा रहे हैं,
सिलेंडर मिल रहा है तो एक बार मिल रहा है। ये एक बात बताएं, ऐसा है जो काम कर रहा है उसे काम रोज मिल रहा है। जैसे कौन काम कर रहा है? दिहाड़ी कर रहा है या और कुछ काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है? विकास कैसे होगा देश का? विकास बढ़िया हो रहा है, विकास अच्छा हो रहा जी। तो लोग तो कह रहे हैं ना कि काम तो एक बात बताइए, ये दिहाड़ी करें तो हमको गर्व होना चाहिए कि हमको शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए? यहाँ नए नए युवा जो है दिहाड़ी करेंगे कि और नौकरी करेंगे, बताइए आप क्या आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या होगा अगर ऐसे नहीं? नौकरी नहीं है तो नरेगा तो आखिरी ऑप्शन दादा बता रहे हैं ना कि जब कुछ नहीं मिलेगा तो दिहाड़ी करेंगे। अब जब ऐसा है योग्यता होगी तो नौकरी, तो मारे के यहाँ योग्यता उतनी होनी चाहिए ना। बहुत नौकरी यहाँ भाई, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, काम किन जाए विपक्ष दुनिया के उमर उड़ा रहा है। अबे बगल में बिहार है, वो सब निकारा चला जाता है, यही सब परेशानियां है। दो पेशे अधिकारी खूब कमात है, महंगाई डाइन खाए जा। मंत्री आए थे अभी कल परसों में, हाँ। गांव पड़ता हमारे मुआवजे में, हाँ। वो सिर्फ वो विकास वाला मुद्दा नहीं, हाँ। सिर्फ वही मुद्दा है जो उनका असली वाला मुद्दा, हाँ वही मुद्दा की टोटल बात की है, हाँ। वहाँ उनको पता नहीं था कि मुसलमान है। अच्छा ये क्यों कहते हैं? एक एक चीज बताइए, आप हैं, आप भी हैं, दादा भी हैं, ये बताइए ये क्यों कहा जा रहा है? ये प्रधानमंत्री भरे उससे कहते हैं कि भाई भैंसिया चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चला जाएगा, संसाधन बढ़ जाएंगे, 15% का बजट जो है वो मुसलमानों के नाम कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस आ गई, ये क्यों कहा जाता है? अरे ये क्यों कह रहे हैं? ये तो सब बात के बनाओ, यही मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जल्दी सब बात आए जैसे क्या कहेंगे आप? बीजेपी वाले सब काम कर रहे हैं, ये तो बीजेपी का आरोप झूठे लगाते हैं। बीजेपी वाले ही आरोप झूठे लगा, नहीं नहीं विपक्ष वाले बीजेपी को झूठे आरोप लगाए, प्रधानमंत्री ने कहा है ये बात। बात ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो उसके दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री खुद के दुश्मन है? नहीं, प्रधानमंत्री के जो विपक्ष है, हाँ। उनके कार्यकाल से इतना भय खा गया है, हाँ। वो सोच रहा है कि अगर इनको गिराया नहीं जाएगा, हाँ। तब हमको मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए झूठे आरोप निराधार लगाए जा रहे हैं। तो झूठे आरोप जैसे क्या? झूठे आरोप जैसे कि कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, जो पढ़ा लिखा युवा है। जैसे आप कहीं कहीं वैकेंसी बता दीजिए, इनको बहुत मदद हो जाएगी, कहाँ गए इनको? हम कह रहे हैं हमारे यहाँ से 2 व्यक्ति PCS निकले हैं और सचिवालय में गए हैं, ये इनसे हमने अभी पूछा था ना, आप खुद सोच लीजिए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है, वो कंपटीशन में कैसे बैठेगा, क्या कंपटीशन निकालेगा? अच्छा ये बताओ यार, UPSC क्यों नहीं करते? आप ये बताओ कि इतना बड़ा मौजा है, बस 2 जने निकल चाहिए, ये तो 10% तो जब इस तरह की पढ़ाई ही नहीं है तो 2 मौजे तो बहुत बड़ी बात है, पूरे गाँव में इसमें सब निरक्षर है, 70% निरक्षर लोग हैं हमारे प्रॉपर गुआवा में, और इसी के बगल हमारा ही। अच्छा मतलब पूरा गांव बेरोजगार है? हाँ बेरोजगार, गांव बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है, निरक्षर है, मैं बता रहा हूँ, आप तो घुमा रहे हैं मुद्दे को। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, पूरा गांव में किसी के पास रोजगार नहीं है। अब बताओ रोजगार हमारे गांव में बहुत है, हर व्यक्ति के पास यहाँ जैसे भी है, ट्रक है, सब कमा रहा है, घुमा रहे हैं खूब भाई, वो तो सरकार नहीं मेहनत करे है। मोदी ने कहा है ना कि अपना खुद का मालिक बनो, किसी के मोहताज मत बनो, खुद के मत, हाँ खुद मालिक बनो। ये तो ये कहीं ना कहीं आप बताइए इस पे, मने के पास पैसा ना हुए हर एक चीज खरीदे खातिर, अपने ऊपर ना खड़ा हो पाओ तो क्या करें? यहाँ से किसका माहौल दिख रहा है? यहाँ कांग्रेस का, कांग्रेस का ही माहौल है जी। आप क्या कहेंगे, यहाँ किसका माहौल है? कांग्रेस का, कांग्रेस का माहौल है। मुद्दे क्या है? मुद्दा जो भी हुए मगर की माहौल कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। अच्छा कांग्रेस का माहौल है। तो देखिए तमाम लोग थे यहाँ पे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और अपनी अपनी राय लोगों ने रखी है, आपसे भी बात कर लें, क्या कहेंगे यहाँ पे माहौल किसका दिख रहा है अभी आपको? यहाँ, हाँ यहाँ तो कांग्रेस का है, कांग्रेस का ही है, हाँ। तो ये लोग थोड़ा सा अलग एक नहीं है, दोनों पार्टियां का है लेकिन कांग्रेस का तो यानी ज्यादा, हाँ 70-75%, 70-75%, हाँ नहीं 80 होगा। देश में क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी सरकार बन रही है? देश में तो भाई अब की तो लड़ाई बढ़िया है, लड़ाई बढ़िया है, लड़ाई बढ़िया है। अच्छा इसकी बनती है देखो, लड़ाई आप लोगों को भी लग रहा है इस समय बढ़िया? हाँ बढ़िया। आपको क्या लग रहा है, लड़ाई है कि बीजेपी? बीजेपी, हाँ 400 पार, 400 पार, हाँ 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 एकदम। ये हुए अमेठी में अभी तक, आज तो मतदान का दिन है, अभी तक का क्या माहौल था? गठबंधन हमारे यहाँ, गठबंधन है। अच्छा
तो इसका क्यों ऐसा क्यों है, मतलब गठबंधन क्यों हावी है यहाँ पे ज़्यादा? हमेशा था, है, लेकिन पिछली बार तो रिजल्ट कुछ और ही था, परिणाम कुछ और। अमेठी की बात नहीं कर रहे हम, अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हरदम ही आगे था। अच्छा, लगभग कितने वोट हैं यहाँ पे? लमसम 3500। 3500 वोट है। और आपको क्या लग रहा है आकलन 3500 में कितने इधर उधर बटेंगे? 70-30 का रेशियो रहेगा। 70-30 का रेशियो रहेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अच्छा, यहाँ पे ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ज़्यादा? 50-50 का मामला है। 50-50 है। आपका क्या नाम है? राम सफल। अच्छा, चलिए तो 50-50 वाला मामला हो ही गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने गमछा तो पहन लिया है केसरिया। यहाँ दीदी स्मृति रानी अमेठी में जीत रही हैं। आपका इसका क्या आकलन है? चुनाव आ गया है तो सब आए। चुनाव आएगा है तो यहाँ बिछाए पड़ी नहीं है। तो साल दो साल बीत जात कोनो मतलब ही नहीं। नहीं तो आखिर में गठबंधन क्यों आगे? ये कह रहे हैं कार्य विकास कार्य करवाया है, रोडे बनवाई हैं और अधिकतर चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, तो गठबंधन फिर यहाँ कैसे हावी हो पाएगा? केएल शर्मा कैसे हावी? उनका 40 साल का अनुभव है यहाँ का। तो ये स्थानीय वाला चुनाव हो गया, लेकिन वो भी स्थानीय तो है नहीं, यही के हैं 40 साल से जो यहाँ रह रहा है यही के हैं। तो ये एक मुद्दा है। और क्या मुद्दा हो सकता है? और क्या मुद्दा है गठबंधन को आगे रखने का? बहुत कांग्रेस की जो गारंटी है उसका मुद्दा है, वो मुद्दा है। तो कांग्रेस की गारंटी के बारे में एक बार पूछ लेते, क्या पता है आपको कांग्रेस की गारंटी के बारे में? अरे 8500 काटा खटा रहे हैं। कर्जा माफ हो रहा है, और क्या किसान के लिए और क्या चाहिए? इससे ज्यादा यही बहुत बड़ी बात है। यही बड़ी बात है। ये कितने किसान लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे की वजह से, ये माफ हो जाए सबसे बड़ी बात यही है। क्या क्या मिलता है राशन में? राशन में चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ उठ क्या हो तुम बोला? तो चावल और गेहूँ के अलावा और जो वो और चीजें चाहिए होती हैं वो आपको खरीदनी पड़ती हैं? हाँ तो ठीक है। गैस बहुत महंग हो गया है, 2 सिलेंडर मिला है, दोनों खाली है। फ्री का मिला है उसके बाद पैसा क्या करें? फ्री का मिला है गैस निःशुल्क मिली है, ये झूठा मुद्दा उठा रहे हैं। महंगाई तो अपने आप वो कह रहे हैं कि मिला है, लेकिन मिलने के बाद फिर उसको भरवा ही नहीं है। जो मजदूरी आज के 10 साल पहले 150 रुपए थी, आज 350 हो गई, अपने आप बढ़ेगा। अच्छा। भाई जज्जत महंगाई बढ़ेगी तब तक तो इनकी आमदनी भी तो बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही है, कौन आमदनी बढ़े भैया? कौन नौकरी मिल गया, कौन रोजगार मिल गया? 400 रुपए 400 की दिहाड़ी चल रही है यहाँ पे। चाचा आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, वही बताए कौन। नहीं आइए तो अच्छा बता रहे हैं आप, आइए तो आइए आइए, हम यहीं आ जा रहे हैं, बताए। नहीं नहीं, 350 बता रहे हैं। नरेगा में 300 तो है, मजदूरी कितनी है? 200 रुपया है। तो वो कह रहे हैं पहले 100 मिलता था, अब 300 मिल रहा है। नहीं वो 350 कह रहे हैं। 350 कह रहे हैं, वही कह बता रहे हैं। तो आपको आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? बहुत महंगाई बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और क्या, 300 रुपया देहात मजदूरी है बेलदार। 200 रुपया में अरहर के दाल ये है, महंगाई नहीं ना उड़का। तो वो कह रहे हैं 5 किलो राशन भी तो मिल रहा है, आप कह रहे थे कि नहीं 5 किलो राशन मिल रहा है? तो वही 5 किलो में एक आदमी एक महीना खा ले, बताओ आप। अगर उस एक घर में जैसे 12 लोग 10 किलो है, एक व्यक्ति पर 5 किलो राशन है, घर में 12 लोग हैं तो 12×5=60 किलो जा रहा है, किसी घर में 1.5 क्विंटल जा रहा है, 1 क्विंटल उसमें अलग अलग राशन कार्ड बनवा लिए हैं। अच्छा। तो उससे बहुत गरीबों का लाभ हो रहा है भाई। गरीबों का लाभ है, गरीबों का विकास है। अरे गरीबों का लाभ क्या जो है, गरीब कैसे हो जा रहे हैं? सारा पैसा अडानी और अंबानी के पास जमा हो रहा है, गरीबी ऐसे ही आ जा रही है। अडानी अंबानी के पास पैसा जमा, वो तो कह रहे हैं अब राहुल गांधी ले रहे हैं ना अडानी अंबानी से। कैसे, जब सरकार आएगी तभी तो लेंगे, ऐसे छीन थोड़ी लेंगे। ये बताइए, आप बताइए सिलेंडर मिला है? सिलेंडर तो मिला, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। तो सिलेंडर मिला है ना? हाँ सिलेंडर मिला है। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, पहले 350 रुपए 400 रुपए करीब सिलेंडर था, इस समय कम से कम 1200 रुपए का सिलेंडर है। 200-300 रुपए मजदूरी करने वाला इंसान, अभी जैसे बोल रहे थे कि राशन पर, राशन पहले भी मिलता था और राशन अभी भी मिलता है। अब आप हमें ये बताइए, अगर घर में 5 व्यक्ति हैं, 35 किलो राशन है, तो उसके साथ में आपको सरसों का तेल, नमक और कुछ लगेगा खाली? ये सब कैसे देंगे, ये इसका जवाब नहीं, नहीं। इसका इसका और बात करना है आप तो रोजगार पे और शिक्षा पर बात कीजिए। हमारा ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षा पर जो है, लेकिन वो तो हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं। हाँ तो मोदी जी हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बाकी कोई रोजगार बताएं
कुछ काम करके दिखाएं। तो यहाँ पे आपको क्या माहौल लग रहा है? यहाँ पे तो कांग्रेस है 100%। आपको सिलेंडर मिला है सिलेंडर, लेकिन पैसे नहीं है तो कहाँ से भराएं, उसको खाली पड़ा है। अच्छा, पैसे नहीं है तो राशन भी तो मिल रहा है हर एक व्यक्ति को, 5 किलो से भर जाएगा वो, 1100 रुपए में भरता है सिलेंडर, 5 किलो में भर जाएगा सिलेंडर। नहीं राशन, अरे राशन तो मिल रहा है तो उसको बनाएंगे कैसे, जब सिलेंडर में है ही नहीं तो कहाँ से भराएंगे, भरवाने के लिए पैसे ही नहीं है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। क्या है आपका मुद्दा? अरे भैया पहले भी तो राशन मिलता था, हाँ पहले से भी मिलता है, अभी मिलेगा। क्या मुद्दा क्या है आपका युवा का? रोजगार मुद्दा। हाँ तो रोजगार मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, कई वैकेंसियाँ हैं सब पे। तो आप ये देखिए, 4-5 मुद्दे खड़े हो गए, एक सिलेंडर मिल तो रहा है, सुनिए सिलेंडर मिल रहा है, आप भी हैं, लेकिन सिलेंडर कह रहे हैं कि भाई एक बार मिल जा रहा है फिर कैसे भरवाएं, राशन मिल रहा है जब सिलेंडर ही नहीं है तो हम उसको बनाएंगे कैसे, उसके बाद सरसों का तेल और फलानी चीजें लेनी पड़ रही हैं, तो क्या कहें, पागल हो गए हैं, कमाना ही नहीं चाहते। नरेगा भी मोदी ने कर दिया है, नरेगा से करो, 4-4 लोग हैं, 8-8 लोग कमाएं, उससे भराएं सिलेंडर, काहिल हो गए हैं तो कहाँ। ये एक बड़ा घर चल जाएगा भाई साहब से पूछिए, 200 दिहाड़ी 500 रुपये चल रहा है, 500 रुपये चल रहा है, 500 रुपये बाहर चल रहा है, नरेगा की दिहाड़ी 230 रुपये है, 5 किलोमीटर है, और गाँव में चल रहा 400 रुपये, 5 किलोमीटर नहीं ना, काम ही नहीं करेंगे तो कैसे भराएंगे लोग, बताओ।